Hello everyone, welcome to Punjabi Canadian. I hope you are doing good in your life and staying healthy. In this video, I'm going to explain about new permanent resident rules that's going to come up in this year in Canada. And these are the, I think, बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि ये rules हमारी life में कुछ changes लेके आएंगे. जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी इन कैनेडा एंड दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर पीआर, तो आई थिंक जो ये अपॉर्चुनिटी अब लेकर आए हैं कैनेडा की गवर्नमेंट, शायद उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होने वाले हैं. सो इट्स आई थिंक गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन कैनेडा. इवन इफ यू आर आउटसाइड ऑफ कैनेडा एंड वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द पी आर, अगेन दिस इज गोइंग टू बी आई थिंक बेस्ट डिसीजन इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस ईयर. सो लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम एंड वी विल डाइव इन टू दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स केयरफुली, डैट वाई दिस इज अ गुड न्यूज, हाउ दिस things, how this CRS score is going to impact our lives. As you have seen that jo CRS ke scores hain, pehle wo 507 gaye and then 494 pe aaya hai jo recent jo draw aaya hai. To ab isse ye to clear ho raha hai ki itne itne score jo hain वो एक प्लस टू का जो कैंडिडेट्स कनाडा में आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है, वो इतनी जल्दी वो अचीव नहीं कर पाएगा, राइट? तो ऐसे क्या ऐसे वेज हो सकते हैं जिससे वो पीआर ले सके, क्या ऐसा कुछ नया लेकर आएगी यहाँ की गवर्नमेंट, इसके बारे में हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस होल वीडियो. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू बिल C-19 दैट रिसेंटली पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ कैनेडा, तो उसके बारे में भी हम पूरे डिस्कशन करेंगे कि उसमें कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं एंड हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइव्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो अब ये सब कुछ स्टार्टिंग करने से पहले हमें ये जानना होगा कि अब तक क्या होता जा रहा था. अब ये है कि एक्सप्रेस एंट्री में तीन तरह की फाइल्स लगती थी. एक हो जाता था कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर्स एंड ट्रेड वर्कर्स. ये तीन कैटेगरीज होती थी. अब अगर कोई आउटसाइड कैनेडा बैठा है तो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके आईएलटीएस स्कोर के अकॉर्डिंग, उसका उसके बैकग्राउंड और एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको पॉइंट्स मिल जाते थे. एंड उसके बाद वो बैठा रहता था जब तक 15 दिन एवरी 15 डेज एक मंथ में एक ड्रॉ होता था. अगर उसका कट ऑफ में फॉल कर गया तब तो ठीक है, तब तो हाई चांसेस होते थे कि इनविटेशन चला जाएगा, बट अगर नहीं तो उसको नेक्स्ट ड्रॉ के लिए वेट करना पड़ता था. अब ये हो चुका है कि जब से ये 507 जब स्कोर आया तो एवरीवन वाज शॉक कि अब क्या होगा, लाइक इतना ज़्यादा स्कोर कैसे हम अचीव कर सकते हैं, स्पेशली जो प्लस टू के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो इसी चीज़ को हम डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस कमिंग वीडियो. तो अब जो बिल C-19 वाला आया, अब प्रेजेंट सिनेरियो जो आने वाला है उसमें ये होगा कि उसमें भी तीन कैटेगरीज होंगी जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, लेकिन उस पर एक चीज़ जो वो यहाँ की गवर्नमेंट फोकस करने वाली है वो है लेबर शॉर्टेज को लेके. जिस जिस फील्ड में उनको ज़्यादा डिमांड होने वाली है आपकी ऑक्यूपेशन की, उस फील्ड में आपके हाई चांसेस होंगे पीआर होने के. अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है कि अब आपको, अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो, रिसेंट पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो अब आपको चूज़ करनी होगी अपनी फील्ड. यहाँ पे आप अपना फुल टाइम एक्सपीरियंस बनाने जा रहे हो जिस एक्सपीरियंस से आपको पॉइंट्स बनने वाले हैं, राइट? तो अब ये है, उस जॉब को बड़े ही ध्यान से आपको चूज़ करना होगा, बिकॉज अगर आपकी वो जॉब उस ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट में नहीं होगी तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है. आपकी जो पीआर है उसके जो गोल्स हैं वो लेट भी हो सकते हैं. अब इसके बारे में ज़्यादा तो इस बिल में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसी डिमांड इन ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से हैं जो मेन आई थिंक जो कैटेगरीज हैं, तो उसमें हम बात करेंगे. जैसे कि मैंने बताया कि एक टारगेट बेस्ड आपकी जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट आया करेगी,
तो अब उस लिस्ट में कुछ जो जॉब्स हैं, जो मेन कैटेगरीज हैं, वो इस तरह से एक्सप्लेन है. यू कैन सी इट ओवर देयर. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की जॉब भी हैं, आईटी कंसल्टेंसी की जॉब है. अब जो आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है. अगर आप ऐसी कोई जॉब ले सकते हैं एज सून एज पॉसिबल तो लीजिए, प्लीज़ ट्राई इट. तो ये 6 से 7 जो कैटेगरीज है अब तक हम देख पाए हैं, तो या इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. सो आई थिंक ठीक है. तो पहली चीज़ तो ये कि अब लेबर शॉर्टेज के ऊपर काम किया जाएगा कि ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपको पीआर मिलेगी. प्लस उसमें ये होगा कि सीआरएस स्कोर जितने मर्जी जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी जॉब उस कैटेगरी में फॉल कर रही है, अगर आपका उसमें फुल टाइम एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है चाहे वो कनेडियन एक्सपीरियंस है, अगर वो उस ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट में फॉल कर रही है, तब आपको इन्विटेशन पीआर के लिए ज़रूर जाने वाला है. और सेकेंड पॉइंट इस बिल में ये डिस्कशन किया गया है कि जैसे लास्ट ईयर TR2 PR का एक प्रोग्राम आया था जिसपे रिसेंट जो ग्रेजुएट्स थे वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे पीआर के लिए, तो सेम कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है. बहुत ज़्यादा वी आर फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस बिल. तो अब ये भी हो सकता है कि कुछ नया रूल आए, और मोस्ट प्रोबेबली ये रूल समवट सिमिलर टू TR2 PR जैसा होगा, जिससे कि हमें कुछ फ़ायदा भी हो सकता है. उसके बाद थर्ड चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है फॉरेनर वर्कर्स के लिए. उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं, लेकिन उसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल नहीं पता. तो अभी मोस्ट जो हमें मेजर जो पॉइंट्स हैं वो यही निकल के आ रहे हैं कि जो टारगेट बेस्ड जॉब्स होंगी उसके अंडर अगर आप फॉल करते हो तो आपको पीआर लेना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो अब आपको फील्ड जो है अपनी बहुत अच्छे से चूज़ करनी होगी, आपके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने डिस्कशन किया है कि अगर आप को फ्रेंच भी आती है, अगर आप बायलिंगुअल हो तो उनके लिए और भी इजी होगा, क्योंकि बायलिंगुअल में ये होता है कि आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं. इवन जो एक्सप्रेस एंट्री में है अगर उनको फ्रेंच आती है तो वो ईजिली उनके स्कोर है वो आई थिंक 50 पॉइंट्स आगे चले जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो गुड. तो बायलिंगुअल के लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाने के चांसेस हैं. सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन. सो और ये जो बिल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट समवेयर मई से लेके अगस्त 2023 में बताई जा रही है. सो आई होप सो दीज थिंग्स विल गोइंग टू वर्क फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? बिकॉज हम इतनी मेहनत करते हैं एंड देन दिस होल थिंग्स गॉट चेंज. जैसे कि अब आपको पता है कि पहले क्या होता था कि जो हमारी जॉब कैटेगरीज थी वो NOC 0 AB में फॉल करती होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक टीयर सिस्टम बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जॉब के बारे में देखना होगा. अगर आपको अभी तक नहीं पता तो प्लीज़ गूगल इट, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो आपकी जॉब है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलते हैं. उसका फ़ायदा ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ओके कोई बात नहीं, अगर डी है तो चलेगा, बट ऐसा नहीं होता. जब आप एक्सप्रेस एंट्री में अपना एक्सपीरियंस डालते हो, अपनी जॉब के वो कैटेगरी बताते हो कि मैं इस जॉब में हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलते हैं. और कई जॉब्स ऐसी होती हैं, कई कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हो एंड यू आर नॉट इवन अवेयर कि अच्छा ये भी हो सकता है, तो एकदम आपको झटका लगेगा फिर. तो इसीलिए वेल प्रिपेयर्ड रहे, तो मैं यही कहूँगी. इवन आई एम गोइंग टू मेक वन मोर वीडियो इफ़ यू वॉन्ट गाइज, कि अब जैसे कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ओके कुछ नए रूल्स आने वाले हैं, तो उस रूल्स के आने से पहले पहले हम क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं सो डैट वी आर लाइक ईजिली हम अप्लाई कर सके. क्योंकि अगर आप याद करो तो TR2 PR जब आया था लास्ट ईयर, तब ये हुआ लास्ट टू लास्ट ईयर ये हुआ था कि जो स्टूडेंट्स थे उनके पास, किसी के पास पे स्टब नहीं थी, किसी के पास जॉब लेटर नहीं था, किसी ने अपने आईएलटीएस का स्कोर नहीं दिया हुआ था, तो ऐसी छोटी छोटी 4-5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी. अगर आपके वो डॉक्यूमेंटेशन ही पूरे नहीं होंगे तो आप सोच सकते हो कि आपकी फ़ाइल डिले होती जाएगी. और जैसे कि आपको पता है उसमें ये था कि एक प्रॉपर उन्होंने बनाया हुआ था कि 50,000 एप्लीकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ था. तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी वेल प्रिपेयर रहना चाहिए. इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इफ़ यू आर गेटिंग मोर नॉलेज कि ओके ये चीज़ें होने वाली हैं,
then please do subscribe Punjabi Canadian and keep in touch with my channel so that you are getting aware ki okay ab ye kya hone wala hai, ye kya hone wala hai, because main khud in sab cheezon ko search karke thoda like time spend kar rahi hu. So I hope so. अगर आपको भी कोई चीज़ पता लग रही है, आपको लग रहा है कि ओके ये चीज़ अमन ने मिस कर दी, तो या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए सो डैट माई ऑल व्यूअर्स कैन सी इट. डू सब्सक्राइब पंजाबी कनेडियन एंड लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. आई ऑलवेज ट्राई टू get myself free to make this video, and if I will not receive the good response, then I will be feel demotivated. And to be honest, it's really required a lot of research, lot of effort to make a video. So please do subscribe Punjabi Canadian and like this video. Thanks for watching this video. Thank you.